अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटीज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस रुपए की हेल्प से मुझे क्या फाइंड आउट करना है ओपनिंग इन्वेंट्री और लिक्विड रेशो सबसे पहले आप ये देखो कि लिक्विड रेशो का फॉर्मूला क्या होता है लिक्विड रेशो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स

क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर सकते हो तब आपके पास लिक्विड एसेट्स आ सकती हैं अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री भी नहीं है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमको कही कहीं ना कहीं फाइंड आउट करनी पड़ सकती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन equations की हेल्प से हम यहां पर कुछ फॉर्मूला पुट कर लेते हैं क्योंकि हमें इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो गिवन है कितना है ये फाइव टाइम्स अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी गिवन है कितना 1.5 लाख ये हमको गिवन है अब एवरेज इन्वेंट्री हमको पता नहीं है यहां से आप एवरेज इन्वेंट्री का अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हो ये आपके पास आ जाएगा थर्टी थाउजेंड अब क्वेश्चन में पता है कि एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय टू अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कह रहा है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो ओपनिंग इन्वेंट्री से चार हजार रुपए ज्यादा है तो अगर मैं ओपनिंग इन्वेंट्री को एक्स कंसीडर कर लू तो क्लोजिंग इन्वेंट्री तो फोर थाउजेंड एक्स्ट्रा है तो ये क्या हो गया एक्स प्लस फोर थाउजेंड यह तो हो है ओपनिंग इन्वेंट्री एवरेज करने के लिए हम टू लिखते ही अमाउंट में कितनी है थर्टी थाउजेंड तो यहां पर आप थर्टी थाउजेंड आप रख दीजिए तो इस इक्वेशन को आप सोल्व करके देखना तो आपके पास आ जाएगा ट्वेंटी एट थाउजेंड यहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 28000 और आपने x कंसीडर किसको किया था ओपनिंग इन्वेंटरी को तो ओपनिंग इन्वेंटरी आपके पास आ गया 28000 तो क्लोजिंग इन्वेंटरी वो क्या कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंटरी कह रहा है कि जी ओपनिंग इन्वेंटरी से रुपए ज्यादा है क्योंकि 28000 के अंदर अगर मैं 4000 को ऐड कर देता हूं तो मेरे पास क्या हो गया ₹32000 का हमारे पास हो गया क्लोजिंग इन्वेंटरी अब क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में हमारे पास आ चुका है अब क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा यहां पे वापस आ जाइए अब इस क्वेश्चन के अंदर मेरे पास करंट एसेट्स गिवन है करंट एसेट्स कितनी है एक लाख अगर इस एक लाख रुपए में से मैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा लिक्विड एसेट्स क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था क्वेश्चन में लास्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है लिक्विड रेशो अब लिक्विड रेशो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास लिक्विड एसेट्स नहीं थी बट हम करंट एसेट्स और क्लोजिंग इन्वेंट्री की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते थे अब करंट एसेट तो हमारे पास पहले से थी जबकि क्लोजिंग इन्वेंट्री मैंने अब फाइंड आउट की तो इस एक लाख रुपए में से आप थर्टी टू थाउजेंड क्लोजिंग इन्वेंट्री के माइनस कर दो तो 68,000 का आपके पास क्या आ जाएगा लिक्विड एसेट्स तो लिक्विड एसेट्स आपके पास आ चुकी हैं कितनी है ये 68,000 करंट लाइबिलिटीज क्वेश्चन में गिवन है कितनी 70,000 तो आप इन दोनों का रेशो फाइंड आउट कर देना तो आपके पास आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट तो ये है हमारा लिक्विड रेशो तो क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से रिकेप कर देता हूं क्वेश्चन में हमें ये सारी इक्वेशन गिवन थी इन सारी इक्वेशंस के अकॉर्डिंग तो मैंने क्या किया इन्वेंट्री टर्नवर रेशो को पुट किया ये आइटम मेरे पास गिवन है ये रही यहां पे मैंने क्या फाइंड आउट किया एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री आ गया थर्टी थाउजेंड बट क्वेश्चन यहां पे भी रुक रहा था क्योंकि एवरेज इन्वेंट्री आपको पता तो चल गया बट आपको ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता बट दोनों में रिलेशनशिप गिवन है तो ओपनिंग को आपने एक्स कंसिडर किया क्लोजिंग क्या हो गया एक्स प्लस फोर थाउजेंड क्योंकि क्वेश्चन क्या ही रही है यही रहा था तो आपने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का एवरेज किया यहां से एक्स की वैल्यू आ गई एक्स आपने किसको कंसीडर किया था ओपनिंग इन्वेंट्री को ओपनिंग अगर 28,000 है क्लोजिंग कितना आ गया 4,000 एक्स्ट्रा क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था तो 32,000 तो जैसे ही आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को करंट एसेट्स के अमाउंट में से माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया लिक्विड एसेट्स लिक्विड एसेट्स आपने यहां रखी करंट लाइबिलिटीज आपका क्वेश्चन में गिवन थी दोनों की हेल्प से आपके पास रेशो आ गया दैट इज जीरो पॉइंट नाइनटी सेवन इज टू वन और यही लिक्विड रेशो और ओपनिंग इन्वेंट्री हम एक क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी थी ओपनिंग इन्वेंट्री हम पहले फाइंड आउट कर चुके थे और लिक्विड रेशो अब हमने लास्ट में फाइंड आउट कर लिया